छत्तीसगढ़ गढ़सेना कलार्क सिन्हा समाज दक्षिण मंडल रायपुर में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को 31वां युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ गढ़सेना कलार्क सिन्हा दक्षिण मंडल रायपुर द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 25 दिसंबर को गढ़सेना कलार्क सिन्हा समाज भवन परिसर मोतीनगर बोरिया खुर्द में किया गया, जिसमें 12 बजे सहस्त्र बहु अर्जुन भगवान का पूजा आरती कर संबंध नामक पत्रिका का विमोचन किया गया। 1 बजे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति किया गया। 1 बजे स्नेह भोज, दोपहर 2 को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन महिला मंच रानी सिन्हा द्वारा किया गया। साथ ही 25 दिसंबर को मुख्यतिथि के रूप में उद्योग मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा व रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल, साथ ही विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा का सत्कार समारोह कलार समाज रायपुर दक्षिण मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडलेश्वर श्री पन्नालाल सिन्हा जी द्वारा किया गया। विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, जय जोर से जयकारा बुला हूँ, काबर की हमार बहुत ही आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं और हमार बहुत ही सम्मानीय विधायक जी ब्रिजमन अग्रवाल जी है, तो थोड़ा लगना चाहिए भाई सिन्हा समाज के हमार आज कार्यक्रम है करके। बोली माता बहादुर कलारिन की जय, सहस्त्र बहु भगवान की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद। आज बहुत सुंदर सभा छत्तीसगढ़ गढ़सेना कलार समाज के युवक युवती सम्मेलन समारोह में हमर उपस्थित बहुत ही आदरणीय मंच में उपस्थित हमर कवासी लखमा जी, उद्योग एवं आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ शासन, साथ में हमर मंच में उपस्थित है बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, वो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय है, काबर की जब भी हम विधानसभा में बैठते हैं तो ओकर से बहुत कुछ सीखे बर मिलते, विधानसभा के चर्चा का अभियान तो दहशत में लान देते है, संख्या कम लेकिन दम है हमारे पास है, लेकिन हमारा दमदारी बहुत ज्यादा रहते, हम कोशिश करते हैं सीखथन भी, जूनियर है ना हमन हा, तो सीखथन भी और दमदारी दिखाथन भी, और बहुत अच्छा लगता है जब पक्ष और विपक्ष बात रखते, विपक्ष के बिना पक्ष के कोई महत्व नहीं है, पक्ष के बिना विपक्ष के कोई महत्व नहीं है, जीवन में तो रोध मतलब प्रतिरोध होना चाहिए, सही बात है नहीं महोदय जी। साथ में हमार मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमार बहुत ही आदरणीय दीपक सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ गढ़सेना कलार समाज, बहुत ही आदरणीय संरक्षक महोदय भोजराम सिन्हा जी, साथ में मंच में उपस्थित है प्रेमलाल सिन्हा जी हमार महामंत्री, आदरणीय हमार डामनलाल सिन्हा जी कोषाध्यक्ष, आदरणीय किरण सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच, सम्मानीय चंद्रपाल धनकर जी नगर निगम रायपुर, साथ में हमार मंच में उपस्थित उमा चंद्रहास निर्मलकर जी, सावित्री जगमोहन साहू जी पार्षद नगर निगम रायपुर, आदरणीय हमर भूषण लाल सिन्हा जी अध्यक्ष महोदय जी, साथ में हमर समधि साहब भी बैठे हुए हैं बहुत ही आदरणीय विशेषर सिन्हा जी, और यहाँ मंच में उपस्थित सभी आदरणीय जन सम्मानीय जन, और हमर बाहर से आए हुए छत्तीसगढ़ समाज के हमर बहुत ही सम्मानीय भैया मन, बाबू जी मन, हमर बहिनी मन, भाभी मन, आप जम्मो झन ला प्रणाम है, जय जोहार है, युवा साथी मल्ला ढेर सारा आशीर्वाद है, और हमारे छोटे छोटे बच्चा मल्ला शुभ प्यार है। आज बहुत खुशी के दिन है, मिलन समारोह है, सब लुआई मिंजाई के बाद हम सब एक साथ इकट्ठा होथन और शादी ब्याह के बारे में सोचथन हमारे बेटी बेटा मन के, और यहाँ पे एक समारोह के रूप में हम जब उपस्थित होथन तो एक बहुत ही आनंद के अवसर प्रदान हो जाते हैं हमल्ला, जहाँ हम एक जगह मिल नहीं पान तो सामाजिक जो समारोह होते हैं उनमें सब, चाहे वो जगदलपुर के हो, चाहे हमर रायपुर संभाग के हो, चाहे महासमुंद के कहीं भी के हो, सब यहाँ पे इकट्ठा होके एक दूसरा के बेटी बेटा लहा जब देखथन, और यहाँ पे मतलब खुशी इस बात की हुई अगर यहाँ से जो बेटी बेटा के जो जोड़ी जो मिलान हुई, यहाँ से जितना जोड़ा ज्यादा जुड़ के जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई हमारे सिन्हा समाज के लिए, और साथ में मैं महिला मन से माता मन से कहना चाहूँ कि हमारे समाज तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं,
आगे बढ़ चुके एक सती कहा थो कि हमन अभी राजनीति क्षेत्र में भी देखथन तो हमारे सिन्हा समाज के बहुत छन हमार बहिनी मन आ है आगे और भैया मन भी आ है, तो राजनीति क्षेत्र में तो आगे है, साथ में सामाजिक क्षेत्र में आगे है। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हमार बच्ची मन ला पढ़ाए बर कमी मत करो दीदी मन आप मन, काबर की हमन छोटे से गाँव में रथन और छोटे मैं काबर इस बात ला बोला था काबर की मोर विधानसभा बालोद विधानसभा है जे पूरा गाँव से है, आपके रायपुर तो शहर हरे, शहर वाले मन ला कहीं जाए की जरूरत नहीं रहा है, जही तो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली जही, गोवा मतलब दिल्ली जही, नहीं तो पुणे जही पढ़े बन, नहीं तो इंदौर जही, ग्वालियर जही। लेकिन हमर बच्चा मन ला थोड़ा से भी पढ़े बन अगर आगे जाना है, कॉलेज भी करना है, हमन ला रायपुर आए पढ़ते, अच्छा यूनिवर्सिटी में भी जाना है ट्वेल्थ करे के बाद, तो हमला रूंगटा कॉलेज दुर्ग आए पढ़ते। तो हमला जब पढ़ाई के मामला में होते, शिक्षा के क्षेत्र में होते, तो हमला वहां से पलायन करे पढ़ते हमारे बेटी मन ला बेटा मन ला, और यहाँ पे हमार प्रगति रुक जाते, काबर की जब हम गांव में रहन तो हम सोच ला सीमित कर देथन कि हमार बेटी बेटा ला अगर बाहर भेजना है, बेटा ला तो इजी में भेज देथन बेटा हरे करके, लेकिन बेटी रहते तो बेटी पर सोचे पड़ते कि अकेला बेटी कहाँ रही, कहाँ पे पेंगेश बन के रही, और माता पिता मन के दिल वहां पे रुक जाते आगे बढ़ाए से, चाहे वो बेटी कतनो भी पढ़े लिखे रहा है, टॉपर रहा है, ट्वेल्थ में टॉपर रही तो भी ओला रोके जाते, तो मैं बहन दुरुग भेजना है तो जरूर और पढ़ाओ, ओला शिक्षा के क्षेत्र में आगे करो, तो मैं यही निवेदन करत हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी तो हमारे समाज बहुत आगे बढ़ी। साथ में समय की कमी है, काबर भैया ब्रिजमोहन भैया लगातार पुश करत है थोड़ा जल्दी भाषण देवाओ जल्दी जल्दी के, तो मैं समय नहीं लेता हूँ। साथ में हमारे भैया एक मांग रखी से जमीन के बारे में, तो जमीन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मांग है, ये संज्ञान तुम और पहली भी आ चुके रही से, बीच में बात करे रही से प्रेम प्रकाश गजेंद्र लगातार मोर से लगे हुए है कि दीदी ये बात ला करना है सीएम के सामने, तो आज लखमा जी भी आ गए हमारे मंत्री आबकारी मंत्री, तो लखमा जी के साथ मिलके हम सीएम से बात रखेंगे, बाकी काम के यहाँ विधायक के भी थोड़ा थोड़ा काम रहते, विधायक जी अपन काम ला कर दी और हम तीनों जन मिल के ये जमीन ला आपटन कराए के कार्य पूरा करेंगे, आश्वासन ऐसी ऐसी प्रेम और विश्वास बनाए रखू और हमेशा हर क्षेत्र में हम आगे बढ़न, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़न, यही माता बहादुर से आशीर्वाद लेथन। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आज क्रिसमस है, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हमारे प्रदेशवासी मल्ला, साथ में नव वर्ष आते हैं, आप मल्ला नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में हमेशा फूल खिलता रहे, आप मन हमेशा मुस्कुराते रहे, माता रानी की कृपा आप मन के ऊपर हमेशा बने रहे, आप माता रानी की कृपा आप मन के ऊपर हमेशा बरसता रहे, यही आशा विश्वास के साथ एक बार जय जोर जोरदार विधायक जी है दक्षिण के तुरंत भवन ही जयकारा पर डिपेंड कर ही जोरदार जयकारा बुलाएंगे, बोलिए माता बहादुर कलारिन की सहस्त्र बाहु भगवान की जय हिंद। जय कलार बोलूंगा तो आप लोग जय जोहार बोलेंगे, और जय जोहार बोलूंगा तो आप लोग जय कलार बोलेंगे। जय कलार, जय कलार, जय कलार, मातृशक्ति की तरफ से हाथ नहीं उठ रहे, आपसे भी निवेदन है, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर रायपुर दर्शना कलार समाज के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन होता है, जैसा बड़ा दिन होता है क्रिसमस ईसाई धर्म के लिए उनके लिए उसी प्रकार, क्योंकि हर वर्ष 31 सालों से विगत 31 सालों से हम ये आयोजन को करते आ रहे हैं, विगत 5 सालों से इस जमीन में युवक युति परिचय सम्मेलन हम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित लखमा जी मंत्री उद्योग एवं आबकारी एवं इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय लाडले विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, और समाज की बेटी और समाज की विधायिका
श्रीमती संगीता भैया राम सिन्हा जी, मंच में उपस्थित प्रदेश के हमारे संरक्षक भोगजाम डरसेना जी, और बहुत ही सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री निरंजन सिन्हा जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के महामंत्री प्रेमलाल सिन्हा जी, मंच में विराजमान इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष भूषण सिन्हा जी, सम्मानित मंत्री खेमलाल सिन्हा जी, खुशवंत सिन्हा जी कोषाध्यक्ष जिले के, सम्मानित इस कार्यक्रम आयोजक दक्षिण मंडल के सम्मानित मंडलेश्वर पन्नालाल सिन्हा जी, सचिव प्रेमलाल सिन्हा जी, सम्मानित कृपाराम सिन्हा जी, मंच में विराजमान विशेषर सिन्हा जी, मंच में विराजमान हमारे जीवन सिन्हा जी, लखन सिन्हा जी, सम्मानित इस मंच में विराजमान हमारे गुरु जी, और तमाम हमारे उपस्थित युवा साथी, सम्मानित हमारे स्वजाति बंधु, मातृशक्ति युवा साथी, आप सबका अभिवादन करता हूँ, जय जोहार, स्वागत करता हूँ। साथ ही बहुत कीमती समय लेके हमारे अतिथि लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका कोटि कोटि अभिवादन करते हुए स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं बहुत ही निवेदन पूर्वक बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही दादी के रूप में आबकारी मंत्री जी उपस्थित हुए हैं, ये गमछा के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, ये संबंधित है आपके विभाग से, ये हमारे कलार समाज का पहचान है, गुलाबी रंग, गुलाबी झंडा, जैसे सतनाम लोगों का झंडा जो है सफेद है, उसी प्रकार हमारा जो झंडा है वो गुलाबी है, और गुलाबी कैसे पड़ा ये झंडा को हम लोग इस रंग को कैसे मतलब स्वीकार किया, जो हम लोगों का मुख्य व्यवसाय आपको मालूम है, आप आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, कलारों का मुख्य धंधा जो है आबकारी था, आपका विभाग वाला है शराब बनाना, लेकिन ऐसा एक परिस्थिति आई, शासन ने उसको अपने हाथ में लिया, आज हम उनसे वंचित हैं, नहीं तो निश्चित रूप से हम आपसे यहाँ की जो जमीन है उसकी शायद हमको मांग की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम करते। अब मैं गुलाबी झंडे के बारे में बताना चाहूंगा कि ये झंडा को हमने कैसे स्वीकार किया। जब हम दो समधी मिलते हैं, मेहमान मिलते हैं, तो बोला जाता है हो जाए गुलाबी आज। गुलाबी का मतलब ये होता है शराब, मतलब अक्सर हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो है एक पे एक मारो, तो क्योंकि हमारा व्यवसाय है अपने को इस पर बुरी चीज है, निश्चित मैं भी मानता हूं, सरकार भी मानती है ठीक चीज नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं उसका अगर टोटल बंद कर दिया जाए तो शायद अपवाद होगा, ऐसा मैं मानता हूं। एक तो आबकारी का एक बहुत बड़ा धन राशि जो है शासन को चलाने में भी सहयोग मिलता है, और कहीं पर दूसरे चीज का मतलब आदमी सेवन करेगा, नशा करेगा, उससे बेहतर जो है सरकार के द्वारा जो है अथॉरिटी के रूप में मतलब दिया जाता है, जिससे आदमी जो है अपना शौक भी पूरा करता है। मैं खैर विषयांतर हो रहा था, तो गुलाबी का मतलब यह है कि हो जाए गुलाबी। तो जब हम शराब पिया जाता है, पीने के बाद आंख में जो एक लालिमा आती गुलाबी रंग, गुलाबी रंग वहां से इस झंडे का रूप जो है वहां से लिया गया है, कि क्यों हमारा व्यवसाय जो है गुलाब शराब है, और शराब का है जो गुलाब गुलाबी रंग, तो गुलाबी का मतलब ये झंडे को हमने स्वीकार किया है। जैसे हर समाज के लोगों का अपना एक पहचान, एक मेनोफेस्टो होता है, तो इस प्रकार जो है झंडे के बारे में आपको बताया। दूसरी बात, हमारा जो समाज है निश्चित रूप से बहुत बड़ा समाज है, आपको मालूम है, ब्रिजमोहन जी अग्रवाल जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब धमतरी के मिलन समारोह में युवा युति परिचय के सम्मेलन के समय आप मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की उपस्थिति में संपन्न होना था, क्योंकि वो किसी कारण से परिवार कारणों से उपस्थित नहीं हुए, तो उनकी श्रीमती वीणा देवी सिंह उपस्थित हुई थी, जिसमें आप भी उपस्थित हुए थे, और वहां आपने कहा था कि कलार लोग जिस दिन 1,00,000 अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे उस दिन हम आपको टिकट देंगे, जब हमने टिकट की मांग किया था। वो
लगभग नौ साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के बाद हमने स्वीकार किया और अक्षर से पालन करते हुए साइंस कॉलेज के मैदान में पूरे छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर से लेकर इधर सरगुजा तक के पूरे क्षेत्र से कलार लोग 1,00,000 उपस्थित हुए साइंस कॉलेज के मैदान में। और सबसे पहली बार टिकट हमको कलार समाज को भैया राम सिन्हा को बकायदा कांग्रेस ने दिया। उस समय बीजेपी ने भी हमको एक टिकट दिया था, बिहारी श्याम बिहारी जायसवाल के लिए। इस प्रकार आपकी जो बात है, आपकी जो प्रेरणा वाली बात है, अब चुनौती भी कह सकता हूं उसको, हमने स्वीकार किया और बकायदा जो है 100% हमने जीत हासिल किया। दोनों हमारे उम्मीदवार जीते। उसी प्रकार इस बार भी विधानसभा में बीजेपी ने हमको टिकट दिया था श्याम बिहारी जी को, परंतु उसके ही अगेंस्ट में विनय जायसवाल को दिया था। तो कोई भी जीतता कलार भाई जीतता, कोई भी जीतता कलार भाई जीतता, क्योंकि हमको मालूम था कि संभवतः इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हमने विनय जायसवाल को जिताया। तो इस बार भी हमने 100% जो है प्रतिशत हासिल किया आपके प्रेरणा से। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आज समाज जो है, आपको मालूम है कि हर समाज की एक भूमि रहती है जिसमें सम्मेलन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम, छात्रों की पढ़ाई है, आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है भवन की आवश्यकता, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा निश्चित रूप से एक भवन जो है हमने खरीदा था अपने पैसे, परंतु वो बहुत छोटा है जिसमें केवल हम छोटी छोटी बैठ के कर सकते हैं। जो डगड़िया में है हमारा सामाजिक भवन, जो कार्यालय के नाम से, हमारी एक निवेदन है कि यह जो जमीन जो है, जो खाली पड़ा है, जिसको हमारे भाई लोग विगत 5 सालों से इसको बकायदा हर वर्ष इस जगह में कार्यक्रम करा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजन करा रहे हैं, तार से घेरा गया था, वृक्षारोपण किया गया था, तो ये जमीन जो है इस दर्शना समाज को दिलाने में आप लोग महती भूमिका निभाएंगे, मुझको विश्वास है कि आप निश्चित रूप से दिलाएंगे। अब रहा सवाल कुछ नियमों की बात है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सारे नियम को शिथिल करते हुए अगर निश्चित रूप से लकमा जी, ये तीनों जो मूर्ति हैं हमारे जो उपस्थित हुए हैं मूर्ति के रूप में आज के समय, अगर ये प्रतिज्ञा करके यहाँ से जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई नियम कायदा कानून जो है आड़े नहीं आएगा, हमको ये जमीन मिल सकती है, ऐसा मुझको विश्वास है। रहा दूसरी बात, आप लोग आए, मैं आपका सत सत अभिनंदन करता हूँ, बहुत ज्यादा बोला हूँगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.